ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी सेकंड ईयर इसके अंदर एक नियम करने वाले हैं, लैम्बर्ट नियम हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है इसका गणितीय रूप क्या होता है ये हम कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैम्बर्ट नियम के बाद। इसमें कुछ संशोधन किए गए और इस जो नियम है लैम्बर्ट का, इसको विलियनों पर लागू किया गया। किस पर किया गया? विलियनों पर। तो देखो, लैम्बर्ट के नियम का जो गणितीय रूप होता है वो क्या होता है, हमने ये लिखा था यहाँ पर, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, यही था, ठीक है। अब ये जो लैम्बर्ट नियम है, इसको बीयर ने क्या किया, संशोधित किया, और संशोधित करके इसे विलियनों पर लागू किया, जिसे संशोधित जो रूप है उसे हम बीयर लैम्बर्ट नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीयर लैम्बर्ट नियम कहते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे यही बीयर लैम्बर्ट नियम क्या है। तो देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो, बीयर ने क्या कहा, बीयर ने कहा कि जो विकिरण की तीव्रता में कमी होती है अवशोषक माध्यम से गुजारने पर, यानी कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स जो है, यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। डी एक्स अवशोषक माध्यम की क्या है, मोटाई है, और डी आई क्या है, सूक्ष्म कमी है विकिरण की तीव्रता में। तो उसने कहा कि ये जो तीव्रता में कमी हो रही है विकिरण की, ये विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विलयन की सांद्रता के। और लैम्बर्ट ने क्या कहा कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स जो है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, किसके प्रोपोर्शनल बताया उसने इसको, आपतित विकिरण की तीव्रता आई के, यही कहा था उसने। तो देखो, दोनों ने क्या किया, इन दोनों नियमों को जब मिला दें, यानी ये तो कहा था लैम्बर्ट ने, लैम्बर्ट के अनुसार ये स्टेटमेंट आता है, और ये है बीयर के अनुसार, बीयर के अनुसार। तो देखो, यहाँ पर पहले लैम्बर्ट ने नियम दिया जिसे हम देख चुके हैं, और उसने कहा था कि जो विकिरण की तीव्रता में कमी आती है, यानी डी आई माइनस डी आई अपॉन डी एक्स जो है, वो आई के प्रोपोर्शनल है। आई क्या है यहाँ पर? आपतित विकिरण की तीव्रता। और बीयर ने कहा कि जो कमी आ रही है विकिरण की तीव्रता में, वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती है। तो देखो, इन दोनों ने क्या है, इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो फिर हमारा बनता है बीयर लैम्बर्ट का नियम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखो, अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से संशोधित रूप देखा जाए, बीयर लैम्बर्ट नियम, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या आएगा कि जब किसी एकवर्णी प्रकाश पुंज को, एकवर्णी प्रकाश पुंज को क्या किया जाए, किसी अवशोषक माध्यम से गुजारा जाए, अवशोषक माध्यम से गुजारा जाए, तो विकिरण की तीव्रता में हुई कमी, विकिरण की तीव्रता में हुई कमी क्या होगी, आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ, यहां पर यह जोड़ना है हमको, आपतित विकिरण की तीव्रता, तीव्रता के साथ साथ, आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ अवशोषक माध्यम की सांद्रता, अवशोषक माध्यम की सांद्रता
पर भी क्या करती है, निर्भर करती है, निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा बियर लैम्बर्ट नियम का। ठीक है, तो अपन इसको एक बार फिर देखें स्टेटमेंट को, कि जब किसी एकवर्णीय प्रकाश पुंज को अवशोषक माध्यम से गुजारते हैं तो विकिरण की तीव्रता में जो कमी होती है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ, यानी आई के साथ साथ अवशोषक माध्यम की सांद्रता, आप यहाँ पे विलयन भी लिख सकते हो, ये विलयनों के लिए दिया गया है, निर्भर करती है। यानी कि इस स्टेटमेंट को गणितीय रूप में अगर बदला जाए, लिखा जाए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको, देखो इसका गणितीय रूप हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, तीव्रता में जो कमी है वो आई के साथ साथ विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, यानी आई इंटू सी दोनों के समानुपाती होगी। अभी हमने देखा था दोनों को अलग अलग, तो ये हमने दे दिया समीकरण एक। ठीक है, यहाँ पर आप साइड में बता सकते हो, हमने पहले बता भी रखा है कि सी क्या है, सांद्रता है, और आई क्या है, तीव्रता। आपतित विकिरण तीव्रता। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रोपोर्शनल हटाएं यहां से, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू सी। ये इससे पहले हम क्या करें, ये कर दिया हमने, ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, इस माइनस चिन्ह को हम उधर ले जा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के आई इंटू सी, या हम क्या करें इस आई को इधर ले आएं और डी एक्स को उधर पहुंचा दें, जैसे लैम्बर्ट नियम में किया है हमने क्या किया है, लैम्बर्ट नियम में, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के सी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हमने दे दिया यहाँ पर समीकरण नंबर दो, क्या कर दिया, समीकरण नंबर दो। अब देखो समीकरण दो जो है इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो का आई नॉट टू आई टी तथा एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एक्स, या हम इसको सीधा लिख दें यहाँ पे जीरो टू एक्स, जीरो टू एक्स के मध्य समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखो इक्वेशन टू का समाकलन कर देंगे जो हमें कंडीशंस दी हुई है उनके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे समीकरण दो ही लिखा हुआ है, डी आई अपॉन आई इसका आई नॉट टू आई टी के बीच में करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई नॉट टू आई टी डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के और सी बाहर रह जाएगा, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन डी एक्स का होगा जीरो टू एक्स। ठीक है, कर दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एल एन आई, और यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट टू आई टी अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स, डी एक्स का एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एल एन आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये जो एल एन आई टी अपॉन आई नॉट है ये क्या है, एल एन यानी लॉग ई के बेस में है, हम इसका बेस चेंज करें लॉग टेन के अंदर, क्या करें लॉग टेन में बदलें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2.303, इसको हम
आगे करते हैं। टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स, या इस 2.303 को मैं के के अपॉन में ले जाऊं उधर तो एक हमें एप्साइलन कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 और क्या बचा हुआ है सी एक्स, ठीक है। या मैं इस इक्वेशन को ये लिखूं लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्साइलन सी एक्स, दिया गया। तो यहाँ पर एप्साइलन क्या है, एप्साइलन इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण आया है आपके पास तीन, इसे ही हम बियर लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बियर लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा गणितीय रूप, ठीक। तो इस तरह से हम बियर लैम्बर्ट नियम को ड्राइव कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन समझ सकते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं गौर से। बियर लैम्बर्ट ने क्या कहा था कि आपतित विकिरण की जो तीव्रता है उसमें जो कमी होती है माइनस डी आई अपॉन डी एक्स जो है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ साथ क्या है अवशोषक माध्यम की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। सी मीन्स सांद्रता है, ठीक है। उसको गणितीय रूप में लिखा जाए तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। आई यहाँ पर आपतित विकिरण की तीव्रता है और सी क्या है अवशोषक माध्यम की सांद्रता। इसको हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू सी, के समानुपाती स्थिरांक है जो कि अवशोषण स्थिरांक भी होता है। उसके बाद माइनस चिन्ह को सामने ले जा सकते हैं, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के आई इंटू सी, या इस आई को इधर ले आएं और डी एक्स को उधर पहुंचा दें तो समीकरण दो बन जाएगा हमारा डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू सी इंटू डी एक्स। अब ये समीकरण दो जो बना है इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है आई नॉट टू आई टी और जीरो टू एक्स के बीच में, ठीक है। तो समीकरण दो ये लिख रहा है, यहाँ पे देखो डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन होगा आई नॉट टू आई टी के बीच में करना है और माइनस के सी बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स करेंगे जीरो टू एक्स के बीच, लिमिट्स दी हुई है हमको। इसका हो जाएगा एल एन आई आई टी आई नॉट, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट हो गई। इसका हो जाएगा डी एक्स का एक्स तो माइनस के इंटू सी इंटू एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स, ये क्या है लॉग ई के बेस में, इसको लॉग टेन बेस में चेंज किया है तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई नॉट। इसमें से इस 2.303 को मैं के अपॉन में ले जाता हूँ तो लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 सी एक्स। तो ये जो वैल्यू है के अपॉन 2.303 इसको एप्साइलन किया है तो हमारे पास जो बियर लैम्बर्ट नियम है उसका गणितीय रूप आ जाता है, यानी कि लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई सी एक्स, समीकरण तीन। और ये समीकरण तीन जो है यही बियर लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बियर लैम्बर्ट नियम क्या है, व्युत्पन्न कीजिए या बियर लैम्बर्ट नियम के गणितीय रूप को व्युत्पन्न कीजिए, कैसे भी कहे, या बियर लैम्बर्ट नियम जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका वक्तव्य क्या है, क्या कहता है वो नियम लिखिए। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में।